साल 2020 में नई और फ्रेश जोड़ियां हमें एंटरटेन करने वाली है। इनमें से एक जोड़ी है आलिया भट्ट और बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन की। दोनों संजय लीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में साथ में नजर आने वाले हैं। संजय लीला बंसाली की इस फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई का किरदार निभाएंगी। कौन थी गंगूबाई और क्या है फिल्म की कहानी, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। गंगूबाई मुंबई के हीरा मंडी नाम की जगह कोठा चलाती थी। 60 के दशक में गंगूबाई का अपना अलग ही दबदबा था। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था और वो गुजरात के काठियावाड़ में पली बड़ी थी। वो एक नामी परिवार से ताल्लुक रखती थी। 16 साल की छोटी उम्र में गंगा को अपने पिता के 28 साल के अकाउंटेंट रामनीक लाल से प्यार हो गया था। रामनीक लाल ने गंगा को मुंबई में एक्टर बनाने के बड़े बड़े सपने दिखाए और फिर उससे शादी कर ली। फिर दोनों भाग कर मुंबई चले आए। हालांकि कुछ दिनों बाद उनके पति ने 500 रुपए के लिए उन्हें कोठे पर बेच दिया था। इसके बाद गंगा की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि वो गंगा से कोठे वाली गंगूबाई बन गई। आगे चलकर मुंबई माफिया और नेताओं तक उनकी अच्छी पहुंच हो गई थी। एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के मुताबिक हजारों लड़कियों की तरह गंगूबाई काठियावाड़ी भी सेक्स ट्रैफिकिंग की शिकार हो गई थी। किताब के मुताबिक गंगूबाई हमेशा सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में दिए गए उनके भाषण को स्थानीय अखबारों ने खूब कवर किया था। गंगूबाई ने कई बच्चों को भी गोद लिया था जो उनके साथ वही रहते थे। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। गंगूबाई ने इन बच्चों की पढ़ाई और पालने की जिम्मेदारी ली थी। संजय लीला बंसाली की ये फिल्म 11 सितंबर 2020 को रिलीज होगी। अब देखना ये होगा कि आलिया भट्ट इस किरदार को बखूबी निभा पाती है या नहीं।